बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 हमने डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थ्योरी को डिस्कस किया, उसके साथ एमसीक्यू डिस्कस किए, एमसीक्यू के साथ हमने इनके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। आज जो हम डिस्कस करना है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन। उनमें हमने आज जो डिस्कस करने हैं वो करने हैं फर्स्ट फोर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इनकी हेडिंग लिखवाई हुई है, दोबारा रिपीट करवा दूंगा। आप लोगों ने ये काम करना है कि साथ साथ इसे समझते भी जाएंगे और इसे लिखते भी जाएंगे, ठीक है। जो हेडिंग मैंने लिखनी है आप लोगों ने भी यही लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा है डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जाम्पल दैट वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा जस्ट आप लोग एसिड और बेस को डिफाइन करो, उस डिफाइन के बाद आप लोगों ने जो एग्जाम्पल देनी है वो देनी है, उसमें ये प्रूव हो कि वाटर इज आ एम्फोटेरिक कंपाउंड। इसका आंसर पेज कहाँ पे होगा, 22 पे, पेज नंबर 22, आंसर पेज 22। हेडिंग क्या देनी है, पहले आप लोगों ने लिखना है प्रपोज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देनी है आप लोगों ने डिफाइन डिफाइन आप लोगों ने एसिड और बेस दोनों को डिस्कस करना है, ठीक है, एसिड और बेस, और इनके एग्जांपल के अंदर दे दें सिंपल एग्जांपल, ठीक है, इसकी एसिड की भी बेस की भी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है एम्फोटेरिक की डेफिनेशन, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक आप लोगों को पता है क्या चीज होती है, एम्फोटेरिक इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एसिड एज वेल एज बेस, एक ऐसी सिंगल चीज जो एसिड के तौर पर रिएक्ट करे बेस के तौर पर रिएक्ट करे उसे नाम दिया जाता है एम्फोटेरिक, ठीक है। और इसी एम्फोटेरिक में आप लोगों ने एक्सप्लेन उस एग्जांपल को ही करना है, डेफिनेशन और एग्जांपल को, जिसमें आप लोगों ने वाटर के रिएक्शन एक प्रवाह एचसीएल के साथ जिसमें ये एसिड था ये बेस था, दूसरा आप लोगों ने रिएक्शन NH3 का किसके साथ करवाया, वाटर के साथ, इसमें वाटर एसिड है अमोनिया क्या है बेस है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। आंसर पेज 22, कैसे लिखना है, फर्स्ट प्रपोज हिस्ट्री साइंटिस्ट के बारे में लिखना है फर्स्ट 2 लाइन, ठीक है। देन डेफिनेशन करनी है एसिड की बेस की विद एग्जांपल, सेपरेट एग्जांपल देनी है, दोनों को एक में क्लोज नहीं कर देना। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जितना अपने सिलेबस में है, लेक्चर भी इस बात पे मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करें, फिर एग्जांपल दो दें, उन एग्जांपल को एक्सप्लेन करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिविस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, यानी आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, यानी सेकेंड लॉ का आंसर पेज नंबर 25 पे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पेज नंबर क्या है 25, हेडिंग क्या लिखनी है आप लोगों ने, इसमें भी वही बात लिखनी है पहले आप लोगों ने पेज नंबर 25 बुक का, पहले आप लोगों ने हेडिंग डालनी है हिस्ट्री की या फिर प्रपोज की, प्रपोज
या फिर हिस्ट्री। सेकंड, डिफाइन एसिड और बेस, दोनों को डिफाइन करना है, दोनों की ही एग्जांपल देनी है। लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और इनकी एग्जांपल भी दो थी, एग्जांपल नंबर वन हमने डिस्कस की, उसके साथ हमने एग्जांपल नंबर टू भी डिस्कस की थी। वन में BF3 और NH3 का रिएक्शन किया, सेकंड में एच पॉजिटिव कैटायन प्लस अमोनिया का रिएक्शन किया था। इन दोनों एग्जांपल को आप लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने इनकी करैक्टरिस्टिक, ठीक है, लीविस कंसेप्ट के करैक्टरिस्टिक भी आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। इधर अडॉप्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट पे आ जाता है, अडॉप्टिव एम्फोटेरिक। अडॉप्ट की डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस भी लिखने हैं। प्रॉपर्टी ऑफ या फिर करैक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ एसिड एंड बेस। ओके बेटे, यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट करना है। बेहतर होगा आप नीचे टेबल भी ड्रा कर दें ताकि इनके कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था, एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट। आंसर ए नंबर 25, क्या लिखना है, प्रपोज डिफाइन एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू ये भी बताया, एग्जाम्पल वन में क्या डिस्कस किया, टू में क्या डिस्कस किया, अडॉप्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी या करेक्टर एसिड एंड बेस, और फिर टेबल। टेबल में आप लोगों ने जस्ट लीविस को ड्रा नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने तीनों कंसेप्ट को ही ड्रा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑटोआयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इज इट यूज्ड टू एस्टैब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 32, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, आंसर पेज 32। इसमें क्या लिखना है आप लोगों ने, इसमें भी आप लोगों को मैंने हेडिंग के साथ ही ये टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, उसी तरह ही आप लोगों ने लिखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले आप लोग लिखो ऑटोआयनाइजेशन को, ऑटोआयनाइजेशन ठीक है, ऑटोआयनाइजेशन के बाद रिएक्शन लिखो उस वाटर वाला, जो रिवर्सिबल रिएक्शन एनर्जाइज हो जाता है, उस रिएक्शन के बाद आप लोग केसी के बाद KW, ठीक है। इधर हेडिंग दे देनी है मैथमेटिकल फॉर्म, क्या लिख देनी है, मैथमेटिकल फॉर्म KC KW। इधर से आप लोगों ने इनके फाइनल रिजल्ट निकाले हैं, फाइनल रिजल्ट में पीएच और पीओएच फाइंड करते हैं आप लोग, ठीक है। जब इन दोनों को फाइंड आउट करोगे एंड रिजल्ट क्या होगा, पीएच इज प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसके साथ लिखा होगा 825 डिग्री टेम्परेचर। ये मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बात की जाती है तो टेम्परेचर 25 ही होता है, इसकी क्या वजह है, क्योंकि रूम टेम्परेचर ही 25 होता है, ठीक है। और आप लोगों ने ये बताना है कि pH, sum of pH and sum of pOH is equal to 14, एक्सक्यूब भी आ जाता है और एट
5 डिग्री, यहां तक आप लोगों ने लिखना है इसे, आगे आप लोगों ने नहीं लिखना। जिसका वो टेबल जो आती गई है लाइन, उन्होंने 0 टू 14 तक टेबल जो आती थी वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट हो जाता है। उन्होंने जैसे ये पूछा था ऑटो आयोनाइजेशन, अगर वो पूछते पीएच स्केल तो फिर हम ऑटो आयोनाइजेशन भी लिखते, पीएच स्केल भी लिखते, ठीक है। इसको देख लें क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, इधर से हमने स्टार्ट किया था, आंसर पे 32 ऑटो आयोनाइजेशन। अब आप लोग कुछ भी ऐसे होते हैं जो देखते ही कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हमने ऑटो आयोनाइजेशन पढ़ाई नहीं है, ऑटो आयोनाइजेशन क्या है। तो भाई पीएच के जैसे डिस्कस करते हैं आप लोग, सेकंड लाइन में ऑटो आयोनाइजेशन ही आ जाती है, हेडिंग पीएच के लिए, लेकिन एक्सप्लेन ऑटो आयोनाइजेशन कोई किया गया है, तो इसलिए उन्होंने एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन ही दे दिया है व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल लिखना है ना कि कंप्लीट पीएच स्केल लिखना है। अगर आप लोग पीएच स्केल लिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है, तो मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले ऑटो आयोनाइजेशन को ही एक्सप्लेन करना है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की है डिफाइन ऑटो आयोनाइजेशन, डेफिनेशन लिखें, उसके बाद रिएक्शन जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है आयनाइज में, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता है और एच पॉजिटिव आयन नाइन, तो देखें एच रिवर्सिबल रिएक्शन, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। अब हमने ये पढ़ा था मैथमेटिकल फॉर्म भी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी लेक्चर में, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में फास्ट क्या होगा, हमने फाइंड करना है केसी, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये उनको ये पता कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये चीज़ है, ठीक है, इस साइड वाली चीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, इस साइड वाली चीज़ क्या होती है, रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे हम केसी में वाइटर प्रोडक्ट करते हैं, तो अब ये केसी हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, लेकिन अब तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो ये केसी चेंज हो जाता है के डब्ल्यू में। अब ये के डब्ल्यू क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या चीज, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब केसी के बाद के डब्ल्यू को एक्सप्लेन करना है, के डब्ल्यू में हमने क्या करना होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन, ये मैथमेटिकल फॉर्म अगर कंप्लीट लिख देंगे तो मार्क्स भी देंगे। इससे आप लोगों ने पी एच नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आइन पी ओ एच नेगेटिव लॉग ओ एच आइन, ठीक है, ये बातें डिस्कस करेंगी। अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में जितने भी स्टेप मिस किए ये समझ लें आप लोगों को उतने मार्क्स डेट, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग पी एच स्केल पे नहीं दिया। शायद आप पी एच स्केल को ही एक्सप्लेन करते रहे, जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के ऑटो आयोनाइजेशन के बाद लिखनी है, इस जगह पर लिखनी पी एच स्केल के बाद होगी, ठीक है, स्टार्ट की डेफिनेशन नहीं लिखनी इसकी। नेगेटिव लॉग फिर पी ओ एच, अब पी एच क्या है और पी ओ एच क्या है, एच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन, और ओ एच क्या है, हाइड्रो ऑक्सल आयन मोलर कंसंट्रेशन, पी क्या है, नेगेटिव बर्थ, ठीक है। अब उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने ये बात लिखी थी कि अगर एक मोल वाटर आयोनाइज होगा तो उससे एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब ये एक एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, एक एक हाइड्रो और
ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गए, इट मीन दैट बोथ आर इक्वल, ये क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो हम इक्वल करने के लिए एक चीज को रिप्लेस कर लेते हैं दूसरी चीज के साथ, उसी चीज का हम स्केयर ले लेते हैं। जैसे हम स्केयर लेते हैं तो उसका अंडर रूट ले लेते हैं, जैसे आप अंडर रूट लेते हैं तो पी एच के की वैल्यू है 110 पर -14 वो हाफ हो जाएगी, -7 में चेंज हो जाएगी। इट मीन दैट एच पॉजिटिव की वैल्यू -7 थी, ओ एच की वैल्यू भी -7 थी, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि इन दोनों का सम एक एक मोल ही होता है वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म में बात की, रिजल्ट में आ गए, ये फाइंड कर लिए पी एच प्लस पी ओ एच, जब इन दोनों प्लस करोगे 14 आएगा। 14 कैसे आएगा, पी एच का रिजल्ट 7, पी ओ एच का रिजल्ट भी 7 आएगा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे इक्वल होंगे पी एच को सम करो, इनकी वैल्यू को भी सम करो, क्या हो गया 14, टेम्परेचर 25। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है ब्रॉन्समोर कंसेप्ट एंड वाटर इज एम्फोटेरिक, सो दैट वाटर इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट हमने लास्ट लॉन्ग डिस्कस करना है, वो शॉर्ट में या लॉन्ग में कम्प्लीटली आ जाता है, शॉर्ट में नहीं आए तो लॉन्ग में कन्फर्म है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, आंसर पे थर्टी एट। अब क्वेश्चन क्या है, डिफाइन साल्ट, गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। आपने क्या करना है, साल्ट को डिफाइन करना है, उसके साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है। जस्ट डिफाइन नहीं करना, उसके साथ और भी लिखना है, वो मैं आप लोगों को हेडिंग बना देता हूँ, उसी तरह ही आप लोगों ने लिखना है। लाइन फर्स्ट लाइन पे नंबर 78 पे जहां पे साल लिखा हुआ है साल, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इसकी डेफिनेशन है। आप लोगों ने पहले डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कटाइन एंड अनाइन, है इसके साथ लिखो कटाइन अनाइन। उसके बाद एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, एसिड और बेसिक रेडिकल, इन दोनों को एक्सप्लेन करने, नॉट आप लोगों ने जाते एक एक्सप्लेन कर दो, एसिड को नॉट, एसिड को भी बेसिक को भी, दोनों को एक्सप्लेन करना है। और इनके बाद आप लोगों ने एक रिएक्शन भी लिखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया था NaOH HCl प्रोड्यूस क्या होता है NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन इस चैप्टर में हम 4 टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा NaCl, NaCl कॉमन साल्ट है और वाटर प्रोड्यूस होगा। उसके साथ यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई वाटर साल्ट। उसके बाद प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी जो भी आप लिख दो। इसमें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में तो मतलब 3 लिख लेता है चल जाती है, लेकिन लॉन्ग में आप लोगों ने कंप्लीट 4 ही प्रॉपर्टी लिखनी है, 4 प्रॉपर्टी जो हमने लेक्चर में 1 by 1 डिस्कस किया था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आज हमने चैप्टर नंबर 10 से लेक्चर नंबर 16 फर्स्ट 4 लॉन्ग डिस्कस किए। फर्स्ट लॉन्ग हमने डिस्कस किया एम्फोटेरिक वाला, सेकंड दैट लेविस, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ साल्ट।
अगर कोई इशू है अपन को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।